अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जेंट्स शलवार पे पॉकेट बहुत ही आसानी और सिंपल मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शलवार ले ली है जिसको पूरा कंप्लीट स्टिच कर लिया है। तो यहाँ बिल्कुल जो साइड वाला पांचा होता है वहाँ से ढाई इंच का निशान लगाया है और ऊपर नेफे से भी ढाई इंच का निशान लगा लिया है इस तरीके से। और अब इस निशान के ऊपर से यहाँ तक साढ़े पाँच इंच का निशान लगाया है जितनी जगह पर हमें ये जिप लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इस जगह पे हमारी जो जिप है वो आ जाएगी और अब इतना पार्ट हम इसका कट कर देंगे। तो याद है ये आप पूरी शलवार स्टिच करने के बाद भी ये पॉकेट लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये पॉकेट हमारी कली के ऊपर लगती है, जो हमारी जो शलवार की जो कली होती है, और पांचे से हमने ये मेजरमेंट ली है। अब ये साइड पे कॉर्नर पे छोटे छोटे दो कट लगाए थे मैंने और उसको इस तरीके से उल्टी साइड पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तकरीबन एक पैर जितना। इसको लगाना बहुत ही आसान है और मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल वाला मेथड सबसे पहले सिखाने वाली हूँ। अदरवाइज़ दो और मेथड ऐसे भी हैं जिससे ये लग सकती है, तो मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी वाला सिखाऊं कि हर कोई इसको फॉलो कर सके। अब ये जिप को इसके नीचे इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा के इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर इसके लगा के जिप को अच्छे से इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। और ये मैंने कुंदों वाली शलवार स्टिच की है और पहले मैं एक बेबी बॉय कली वाली शलवार सिखा चुकी हूँ, एक लेडीज़ कली वाली शलवार भी पहले बनानी सिखा चुकी हूँ। अगर आपको कली वाली शलवार नहीं आती है तो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम उसी मेथड से ये जेंट्स कली वाली शलवार भी बनती है, इसका कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। तो उसको उन वीडियोज़ को फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी एक पैर की एक सिलाई लगा ली है जिसकी वजह से ये जिप और ज़्यादा पक्की हो गई है। कॉर्नर से अच्छे से आपने डबल डबल सिलाइयाँ लगानी है ताकि जिप निकले ना। उल्टी साइड से ये एक्स्ट्रा जिप जो है वो कट कर ली है और अब एक कपड़ा ले लेंगे। तकरीबन हमारा साढ़े पाँच जितना चौड़ी जिप थी तो हम ये तकरीबन सात इंच जितना चौड़ाई में लेंगे और आठ इंच जितनी इसकी लंबाई लेंगे। तो मैंने इस कपड़े की सात इंच चौड़ाई ली है और आठ इंच लंबाई ली है और इसको इस तरीके से इसको तीनों साइड्स को फोल्ड कर लिया है और सबसे ऊपर वाली जो साइड है उस पर कन्नी लेके आई हूँ इस तरीके से। तो ये देखें ऊपर से बिल्कुल आप चारों तरफ इसके सिलाई लगानी है बिल्कुल जिप के ऊपर रखते हुए। जिप को इतनी आपने चौड़ाई लेनी है कि आपका जिप वाला पार्ट जो है इस कपड़े के अंदर कवर हो जाए। तो ये देखें इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। सबसे ऊपर कोशिश किया करें कन्नी लेके आए, उसको डबल फोल्ड करना ना पड़े वरना वो जिप को डिस्टर्ब करेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से, बस कुछ भी नहीं किया है, पहले जिप ज्वाइंट कर लिया उसके बाद नीचे कपड़ा लगा लिया है। और ये देखें और इस तरीके से इसकी चारों तरफ सिलाई लगा ली है और जेंट्स शलवार पे पॉकेट लग चुकी है। और ये मैंने बहुत ही सिंपल वाला मेथड आपको बताया है। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। और मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।